महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शादना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाली हूँ। देखिए, आपको नवरात्रि में जो हवन करना होता है, होम करना होता है, उसमें बहुत दुविधा होती है। अब हर कोई ब्राह्मण तो बुला नहीं सकता है, चाहे किसी की घरेलू परेशानी हो या फिर आर्थिक तंगी हो। देखिए, सभी जानते हैं ना कि ब्राह्मण को बुलाने में थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह खर्च तो लगता है। तो आज घबराइए नहीं, मैं ऐसी विधि से आपको बताऊंगी कि घर में बैठ के आप आराम से हवन कर लीजिएगा, होम कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आप हवन नहीं करना चाहते, होम नहीं करना चाहते, तो कैसे नवरात्रि का पूर्ण फल लें? देखिए, चाहे देवी भागवत पुराण हो गया, चाहे हमारा जितने भी हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो गए, सब में दो चीज़ तो आपको मिलती ही मिलती है कि एक तो आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करिए और दूसरा जो है वो दान करिए। ये चीज़ आपको मिलती है। तो अब रही बात हवन की, तो हम हवन करें कैसे? हवन की कोई विधि नहीं आ रही है और हवन हम कर भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। तो चाहे आप एक दिन का व्रत हो, चाहे 9 दिनों का व्रत हो, या फिर बिना व्रत के भी हवन कैसे करें, तो संपूर्ण विधि के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। इतना मतलब ध्यान से बता रही हूँ आपको कि एक एक शब्द यहाँ पे आपका निश्चित रूप से ज्ञान से भरपूर होने वाला है। बिल्कुल टाइम वेस्ट, एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको कि ऐसा समय जा रहा है। और हाँ, एक वीडियो जो कि मैं करके दिखाई हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको देख लीजिएगा। चलिए, आज बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, इतना तो मैं जानती हूँ। अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करें और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब किए कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न कहिए या पहली जानकारी बताती हूँ आपको कि नवरात्रि में हवन कब करना चाहिए। ये भी एक टेंशन होता है कि नवरात्रि में जो है नौ पाठ खत्म करके, देखिए हमारे यहाँ तो नौ पाठ का मतलब होता है ना कि प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय होते हैं वो सब खत्म किया जाता है। कुछ लोग दिनों के अनुसार अलग अलग तरीके से बांट करके और पूरे 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती खत्म करते हैं। तो जब आपका हवन हो, होम हो, तो आप उससे पहले आप दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को समाप्त कर लीजिए। ये हो गया। उसके बाद आपका जो भी दान पुण्य करना हो सब आप उससे पहले कर लीजिएगा, हवन से पूर्व। हवन के बाद जो है वो कन्या पूजन होता है, क्योंकि एक चीज़ बहुत प्रश्न इस बारे में भी आता है कि पहले करें या बाद में करें। एक चीज़ आप समझिएगा, पहले जो है वो आपके घर अखंड रामायण हो या फिर कोई भी पूजा हो, पहले हवन होता है फिर भोज होता है, तो हवन के बाद ही भोज होता है, इस चीज़ का तो ध्यान रखिएगा। चलिए, बताती हूँ कि आपको सप्तशती का पाठ खत्म कर लेना, हवन किस दिन करना है। हवन तो देखिए पूरे नवरात्रि में किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हवन करते हैं वो होता है हमारा पूर्णाहुति हवन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो होता है हमारा पूर्णाहुति हवन। तो हम जब पूर्णाहुति हवन करेंगे तो वो हमारी पाठ से पूर्व, उससे पूर्व हमारा नवरात्रि का पाठ खत्म हो चुका होता है, या फिर जितने दिन आपने माला जपने का संकल्प लिया है कि प्रतिदिन 11 माला जपेंगे, 2 माला जपेंगे, जितना भी, तो शाम का नियम मत रखिएगा। हवन से पूर्व, यदि सुबह में हवन हो रहा है तो उससे पूर्व आप जितने माले का संकल्प लिए हैं उससे पूर्व आपका खत्म हो जाना चाहिए माला। ये चीज़ आप समझ गए कि पाठ और माला दो चीज़ आपकी खत्म हो चुकी होनी चाहिए, उसके बाद आप हवन करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, कुछ लोग जो है अष्टमी में हवन करते हैं और कुछ नवमी में। जब हवन हो आपको इन दो नियमों का, पाठ और माला, दो नियमों का ध्यान रखना है, तो ये कर लीजिएगा। और अब उसके बाद मैं बताती हूँ कि यदि किसी तरह की परिस्थितियाँ हैं, पंडित जी नहीं आ पा रहे हैं आपके यहाँ, आप नहीं बुला पा रहे हैं, आपका बड़ा मन है कि आप घर में हवन करें, होम करें, मैं बताती हूँ साधारण विधि से, बिल्कुल घबराइए नहीं। कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि आप क्या करिए कि घर में कोई भी छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो भी आप क्या करिए कि 2 ईंट कहीं से लेके आइए, 2 ईंट रख लीजिए, या फिर अगर मिट्टी का है तो मिट्टी को अच्छी तरह से लीप लीजिए, गाय का गोबर मिले तो मतलब अति उत्तम, लक्ष्मी देने वाला होता है गाय का गोबर, लीप करके और उस पर क्या करिए कि आम का थोड़ा सा लकड़ी ले लीजिए, वो भी नहीं मिलता है, गाय के गोबर का उपला ले लीजिए। कोई साकल्य वगैरह आपने नहीं बनाया, साकल्य का मतलब कि जो तिल होता है, चावल होता है, जौ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, घी गुड़ मिला के साकल्य तैयार होता है, मान लीजिए आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको पूर्ण फल कैसे मिले? देखिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, दादाजी ऐसा कहा करते थे और दादाजी की बाणी को मैं एक एक चीज़ अक्षरशः सत्य मानती हूँ, क्योंकि दादाजी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे
और इस कारण मैं एक एक बात उनकी बहुत अधिक सत्य मानती हूँ, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो बातें जीवन में आज भी बहुत अधिक सत्य होती हैं। तो चलिए अब बता देती हूँ आपको। तो ये ले लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, कटोरी में गाय का घी ले लीजिएगा एक कटोरी में। उसके बाद क्या करना है कि आपका जो पूजा पाठ है, जितना भी आपको करना है, कन्या पूजन बाद में करिएगा, बार बार बता रही हूँ, कर लिया आपने। उसके बाद उस घी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, और आप आम के पल्लो ले लीजिए, या फिर आप क्या करिए कि एक चम्मच ही ले लीजिए, और ले करके और जिस मंत्र को आपने जपा है माता जी के लिए, या फिर कोई मंत्र, हाँ पहले बता देती हूँ, जिस मंत्र को आपने जपा है, दशांश हवन होता है। तो दशांश का मतलब कि जैसे एक माला आपने जपा है, तो कम से कम एक माला का 10 बार जपेंगे, और सब दशांश वगैरह छोड़िए, सब बातें आपको बड़ी लग सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि यदि व्यवस्था है तो सबसे पहले ओम गंगणपते नमः बोलकर 5 आहुति घी की डाल दीजिएगा। उसके बाद सभी देवी देवता जितने आपको याद आ रहे हैं, जितने इष्ट देव हैं, सबके नाम पे, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम मतलब ओम नमः शिवाय, जो भी आप कहना चाहें, जितने देवी देवता, हाँ कभी भी कवच के मंत्रों से हवन नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं किया जाता है कवच के मंत्रों से हवन। बाकी जो भी दुर्गा देवी का मंत्र आप जपेंगे उससे आप हवन कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपने मंत्र जपा है, या फिर जो मंत्र आप दुर्गा जी का पढ़ते हैं, उस मंत्र से आप यदि व्यवस्था है तो 108 आहुतियाँ दे दीजिए। 108 आहुतियाँ देने के बाद आप एक बताशा ले लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख दीजिए, और बताशे पे थोड़ा घी गिरा दीजिए, और उसको डाल दीजिए अग्नि में। अब ये हो गया आपका पूर्णाहुति, बहुत कम में पूर्णाहुति। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, दीदी नारियल भी हवन में डालना ज़रूरी है क्या? तो देखिए, यदि आप विधिवत करना चाहते हैं तो डालिए नारियल, लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों, मैंने बहुत देखा है ऐसा कि कम से कम पूजा करके भी लोग सुखी हैं, और बहुत बड़े बड़े कर्मकांड करने वाले भी परेशान हैं। तो सब माता की कृपा है, उनको समर्पित करिए, और बस छोटा सा ये बताशा भी आपकी पूर्णाहुति करा देगा, तो इसको कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, मैंने करके दिखाई है, तो हवन की विधि आप उसको देख लीजिएगा। बहुत मतलब मुझे उस वीडियो को अभी देखती हूँ तो बड़ा शांति मिलती है मुझको, कि मतलब इस तरह साधारणतया हर घर में हवन हो सकता है। उस वीडियो को एक बार आप लोग चेक कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये साधारणतया हवन हो गया, मुझे लगता है कि हर परिवार इस हवन को कर सकता है। कोई साकल्य वगैरह तैयार नहीं करना, कुछ नहीं, जो भी लकड़ी मिलती है, जो भी गाय के गोबर का उपला मिलता है, इससे आप आराम से हवन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत साधारणतया आपके हवन को पूर्ण कराया। हवन कर लीजिएगा, यदि आपने नवरात्रि में कोई व्रत नहीं रखा, कोई कलश नहीं रखा, तो भी आप प्रयास करेंगे तो ये छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई मेहनत नहीं, बस आप गए, गाय के गोबर के उपले को अपने गैस पर रख के, अंगारा बन गया, उसको ले आए, उस पर घी गिरा दिए, और बस हो गया आपका हवन। माता रानी भी प्रसन्न, और आपको तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलने ही वाला है, क्योंकि बार बार कहती हूँ ना, छोटे तौर पे, यानी कि भगवान जो है भावग्राही होते हैं, क्रियाग्राही नहीं होते हैं, कि आप इतना सारा साकल्य तैयार किए, ब्राह्मण बुलाए, तो बहुत सारे दान दक्षिणा के साथ आपने कराए, भगवान ने दिया है तो ये नहीं कहूँगी मत करिए, खूब करिए, खूब करिए, लेकिन नहीं दिया है तो छोड़िए मत, आपको भी पाने का अधिकार है, आप भी माँ को प्रसन्न करिए, और इस विधि से आप हवन करिए दोस्तों। तो इस तरह से हवन कर लीजिएगा, और हाँ, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और जय माता दी लिखिए, इससे हमारा और आपका दोनों का कल्याण होगा। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।